हाय गाइस, वेलकम बैक। तो यार, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जैसे कि मेरा ऐप है तो उसमें मुझे इमेज की ज़रूरत है, 10-20 इमेज की ज़रूरत है। लेकिन अब मैं क्या क्या 10 इमेज मैं सीधे की सीधे ऐप में डाल दूँ ले जाके? ऐसा करूँगा तो मेरा ऐप का साइज़ बहुत ही बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जिसका नाम है ग्लाइड, ठीक है। उस लाइब्रेरी से हम इमेज, कोई भी इंटरनेट का इमेज को अपनी ऐप में लोड कर सकते हैं उसके URL के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपका अंडर स्टूडियो ओपन कर देना। ये देख सकते हैं मेरा एक एम्प्टी एक्टिविटी पहले से ओपन है, उसका मेन एक्टिविटी, उसका एक्टिविटी मेन है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं गूगल पे और वहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है ग्लाइड, ठीक है, लाइब्रेरी एंड्रॉयड। उसके बाद जो पहला लिंक खुलेगा उस पर आपको जाना है। उसके बाद नीचे जो डिपेंडेंसी दिख रहा है आपको, ये दोनों को कॉपी करना है, सिंपल इस तरह कॉपी करना है। और आपको अपने ऐप में आना है, उसके बाद जो मॉड्यूल लेवल का ऐप होगा उस पर नीचे जाना है और यहाँ पर सिंपली डिपेंडेंसी को पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ सिंक पर क्लिक कर देना है, ये सारा फाइल डाउनलोड करेगा ग्लाइड से रिलेटेड। और आपको चलना है एक्टिविटी मेन में, जैसे कि ये मेरा मेन है तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इमेज व्यू लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सॉरी मैं अभी फिलहाल के लिए IC लॉन्चर को बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इसकी जगह पे मेरा इमेज लोड होगा, ठीक ना। इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर से कंस्ट्रेंट करता हूँ, नीचे से कंस्ट्रेंट करता हूँ, ठीक है। इसके जो विड्थ है उसको मैं मैच कंस्ट्रेंट करता हूँ 0 dp, और उसको मैं हाइट को मैं हाइट मैं 200 dp कर देता हूँ, 250, ठीक है। इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ, डीपी, ठीक है। अब देखना, मैं ये इमेज तो बस ऐसे ही शो के लिए गया, इसकी जगह पे मैं एक, और ये शायद एरर क्यों शो कर रहा है, इसको मैं सप्रेस करता हूँ। ये मुझे बोल रहा है कि आप जो वेक्टर इमेज है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए मैं इसको सीधे इसको सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। या आपको एक एट्रीब्यूट ट्रू करना पड़ता है वहाँ जाके, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो मेरा यहाँ इमेज आ गया, इसकी आईडी मेरा क्या है, इसकी आईडी है इमेज व्यू, ठीक है। अब हम गूगल क्रोम में चलते हैं, मुझे देखना है कि कौन सा फ़ोटो डालूँ। तो उसके लिए एक वेबसाइट में ओपन करूँगा पिक्सल्स, ठीक है। अब यहाँ से मैं देख, बहुत सारी फ़ोटो, जिस कैटेगरी का फ़ोटो चाहोगे वो फ़ोटो आ जाएगा। तुम लोग सोचोगे, तुम लोग बोल रहे हो ये फ़ोटो को लोड कर, चलो इसी फ़ोटो को लोड करते हैं, तुम लोग क्या खुश हो जाओगे, ठीक है। तो इसका सिंपल इस पर क्लिक करना, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, इमेज एड्रेस कॉपी कर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं एक्टिविटी मेन में। तो यहाँ पर आपको सिंपली इतना इमेज ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद आपको इसके आईडी के साथ इसको फाइंड कर देना है, इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी r.id.imageview, ठीक है। ये वही आईडी है जो हम लोग पहले बात कर रहे थे। अब क्या करते हैं, अब ग्लाइड का काम यहाँ पर आता है, glid ग्लाइड डॉट विथ, यहाँ पर सिंपली आपको दिस पास कर देना है, एक्टिविटी में होंगे तो दिस, और फ्रेगमेंट के अंदर होंगे तो गेट कॉन्टेक्स्ट लोड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये स्ट्रिंग के रूप में आपको जो URL कॉपी करके लाना है उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया, अब एकदम यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर लोड इनटू होगा, सॉरी लोड नहीं, इनटू वो ऊपर वाला जो मेरा इमेज है, बस ये एक लाइन का कोड,
ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर सेमी कॉलन होगा। डन डन नहीं हुआ, आपका मेन काम छूटा हुआ है कि आपको मैनिफेस्ट में आना है और यहाँ पर इसके नीचे आपको लिखना है यूजेस परमिशन। बेसिकली हम लोग इंटरनेट का परमिशन देंगे, तो यूजेस परमिशन इंटरनेट को क्लोज कर देना, बस हमारा काम हो गया। अब हम तो आपको दिखाता, तो मेरा फ़ोन का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अब वो ऐप इंस्टॉल हो रहा है, कुछ सेकंड में इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम लोगों ने क्या इमेज, तो एक्टिविटी लॉन्च हो रहा है, वेट करते हैं। देखो फोटो आ गया, ठीक है, खुश हो जाओ हम लोगों ने काम कर। इसी तरह आपको जहाँ जहाँ इमेज यूज़ करना है इंटरनेट से, आपको सिंपली उसका URL कॉपी करना और सिंपली आपको इस जगह पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में यार इतना ही, थैंक यू, अच्छा लगा तो लाइक।